अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुफीदुन्निसा है। उम्र? मेरी उम्र 62 इयर्स है। अच्छा, ये कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं नानावली की दरगाह पर? साल से बचपन तो हमारा गुजरिया है, बाप दादा से हमें ये सुंदल का सिलसिला जारी है। बचपन गुजरिया, बचपन पूरा नानावली के से गुजरिया। सो तो ये कितने साल का सुंदल जश्न मना रहे हैं? हो सकता है 200 चिल्ड्रन तो भी रहना, उसकी तारीख तो बराबर नहीं। तो लास्ट साल गुजरात साल तो कोरोना की वजह से किस तरह का जश्न मनाए थे और इस बार में किस तरह का जश्न आप मना रहे हैं? गए साल भी उतना जोर से नहीं करे कोरोना की वजह से, ये साल भी जोर से नहीं कर रहे। तो अच्छा आलीशान होता था, उतना आलीशान नहीं हुआ ये बार। अच्छा, इतने साल से यहाँ पर आप आ रहे हैं तो इधर के क्या करिश्मे हैं, क्या यहाँ की बहुत नानावली की, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? हाँ, नानावली के बहुत से करामत हैं, बहुत मुरादें हैं, मानतें पूरे होती हैं। यहाँ तक ये पूरा मिलिट्री एरिया, ये मिलिट्री क्वार्टर्स में है ना, उन्होंने भी मानता कर लग जाको दिल्ली यहाँ वहाँ चले जाते हैं, फिर आको मानत उनकी पूरी होने के बाद आको उनकी मानत पूरी कर को जाते हैं। हमें सब छोटे थे, गैर हुकूमत है हमारे घर का नहीं, दोनों माँ कर बोलते थे, उनके बेटे का नाम बदन है, उन्होंने भी उम्र वाले थे, हम छोटे थे स्टम्प उम्र वाले थे। जब उन्होंने बोलते थे हमारी अम्मा रत्ती भी दर्द हो, बुखार हो, क्या भी हो, हमारी अम्मा डॉक्टर के नहीं बुला लग जाती थी, जा नानावली की मट्टी खा लगा जा, उनके खदमा मुबारक ने सब गड़े की जैसा था मट्टी थी, वो मट्टी खाते शिफा हासिल हो जाती, अपना बीमारी को हर बीमारी को शिफा हो जाती थी। उसके बाद और एक ऐसा चुना भी उनके बाबा दादा करते थे, उसके और एक जने उन्होंने बोल लगते हमारे अब्बा दादा बोले हम ना हमें शक्कर फुटाने, उस जमाने में फुटाने या शक्कर उतस लाते थे सुफाती है के वास्ते, जब ले लो को रास्ता ले लो को आती फुटाने उदबत्तियाँ पकड़ लो को अब भी खरी बीच रहती दरगाह के उदबत्तियाँ अपने आप से लग जाते कर को उन्होंने बोले थे। हमें तो अब ऐसे बहुत से ऐसे छोटे मोटे कितने की होते रहती हैं, हमें हर उनका नाम नहीं सो हमें ये नहीं करते। तो आपकी आँखों से कौन सा ऐसी करामत आप देख रहे तो अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं? हाँ, मेरी बच्ची को एक और टाइम ऐसा सर के दर्द को सदल के टाइम में सर के दर्द की वजह से बहुत तड़प गई, उन्हें मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खंडे नहीं हो रहा है कर को बोल को बस जा बेटे मट्टी उठा को लगा ले को सर को रहती मुँह में डाल लेगी, वो बच्ची डाल ली मुँह में सर को भी लगा ली, उसके बाद मैं भी भूल गई पूछने के वास्ते, उसे भी खुद याद नहीं है मुझे सर में दर्द आया था क्या घर को। ऐसा हमारे साथ तो हर वक्त ये वाक़ होते रहती हैं, उनका नाम लेती हैं जो करती हैं हमारे यहाँ कामयाबी मिलती है। हमें पैदा हुए बड़े हुए सब यहाँ यहाँ से हमारे दादा के ज़माने से संदाला कर रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? तुम्हारी उम्र बोलो। मेरी उम्र 70 और 5 इसे शरीफ है ये मेरा, जब से मेरा बर्थ हुआ जब से ये कर रहे हैं। कितने साल से आ रहे हैं तकरीबन? अब मेरी एज अब 58 ईयर्स है, तो 58 ईयर्स है हमारे अब्बा करते थे, उससे पहले हमारे दादी करते थे, अभी हम लोग कर रहे हैं। इतना ज़रूरी है वो, अब जो भी मैं जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लिया और हमारे कमिश्नर से परमिशन लिया और उन्होंने भी गाइडलाइंस दी, ऐसा जो भी है फॉर्म से कर करो अलग फल तो ऐसे कर ला करें, हर आदमी मास्क डालें और जो भी है सैनिटाइज जो सोशल डिस्टेंस करें, अब वो खाने का है ज़रा खाने ज़रा अपने ज़रा ये करें उतार से, अरे बहुत कम आदमी आई है। लास्ट ईयर को 2 साल हो गया हमें घर को ड्यू टू लॉकडाउन है, लास्ट ईयर मिनिमम 1000 से ज़्यादा आदमी घूमता है, इस बार प्रोसेशन भी हमारे घर से खाली मोहल्ला फिरा लिए, ये अलसूर पूरा अलसूर गश्त कर दो बेगमाल अलसूर अलसूर बाजार से पूरा गश्त कर दो अलसूर पुलिस स्टेशन से और दरगाह को आता है। इस बार क्या आपने मुख्तसर से खाली हमारे घर से मस्जिद को सजा के दरगाह दरबार को चढ़ा दिए, यहाँ असर में गौसे पाक की निशान चढ़ा दी, नौसे गौसे पाक के भी यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के और ईशान के बाद गश्त कर को संदूल चढ़ा दिए। अब ये हमारे वाली साहब करते थे, उनसे पहले हमारे दादा करे और हमारे दादी आगो यहाँ फतेह जिलाते थे, भूसे आगो दादी में पूरे यहाँ फॉलोवर से पूछ सकते हैं पूरी आपकी फैमिली जो है वो यहाँ पर करते हैं। हाँ हाँ माशाल्लाह फेमस है, आना गजिट में 225 गजिट नंबर सीरियल नंबर 225 गजिट में ऑलरेडी रजिस्टर है सज्जा शेख दरगाह सज्जा सैयद महबूब साहेब को और हेरिडिटी से आ रहा बोल उसमें लिखो है देख सकते हो काफ़ी भी देता हूँ अपने को और हमारे इन्हों में जो मेरे साथी है हमारे खादिन 30 ईयर से मेरे साथी इन्हों हर इसमें मुझे साथ देती, ये मुर्शिद भी 20 साल से आ रहे हमारे दरगाह को तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत खिदमत करे हमारे दरगाह को इंशाल्लाह। ये बुजुर्ग वास्ते क्या है तो पहले ज़माने में क्या बोलते थे गढ़ा है मट्टी है
मिलिट्री वाले हैं जो एयरफोर्स के आर्मी के हैं पूरे माशाल्लाह रेखो में ज़्यादा आती हैं अलीगढ़ ये लॉकडाउन की वजह से सिर्फ एक दिन कर रही है इक्कीस दिन में पूरा कम्प्लीट कर दिया इंशाल्लाह 11 के 10 बजे टाइम दिया अब 11 घंटे में इंशाल्लाह कम्प्लीट करा दी पूरा संदल तो चढ़ गया ज़ियाफ़त हो रही है इंशाल्लाह वो भी हो जाता है खादिम है हमारे नाना वाले बाबा जी हमें बचपन से यहाँ बेंगलुरु मॉन्टेसरी स्कूल है वहाँ पर पढ़े यहाँ पर खेले यहाँ पर हमें खिदमत करते थे हमें नाना वाले बाबा जी की जो इन्हें बोल रही इनके दादी हैं जो इनके दादी के ज़माने से हमें उनकी भी खिदमत गुजार हैं यहाँ बहुत और जो भी चला था हमें पहले मिलकर हमें जो दरगाह की हर खिदमत करते थे और बाबा की बहुत करामत ज़ाहिर है और बहुत जमाली बाबा हैं सबको रहम करम करने वाले बाबा हैं हर एक भी उनके दर के पर आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक भी आता है हर एक मन्नत झोली भरकर जाता है हर मजहब के लोग हर मजहब के लोग आते हैं हर झोली उनके भरकर जाते हैं बाबा सबके पर नवाजते हैं हर दिन रात हर 24 घंटे हर आवाम के वास्ते मेरे बाबा अपने दरबार में बैठ रहते हैं हयात बैठे रहते हैं पर्दे में बैठे रहते हैं अब जो भी चाहे उन अता करते हैं मेरे बाबा ये करामत है मेरे बाबा जिंदगी करामत है सही करामत तरन्नुम अच्छा क्या वजह से यहाँ आए आपको रोज शोहर के कमाई के वास्ते मानत करती वो अदा हुई तो लास्ट ईयर तुम्हें क्या मानत करोगे थे वो चुकाने के वास्ते तो तुम्हारी मानत पूरी हो गई तो पूरे अकीदे के साथ तुम्हें यहाँ चुकाने के वास्ते मानत हर साल में आती हूँ अच्छा परवानी अल्लाह का तुम्हें रहने वाले कहाँ हस्कोटे शादी में क्या होता है तवज्जो शादी मेरे ख्वाजा की क्या धूम से होती है शादी मेरे ख्वाजा की क्या धूम से होती है शादी
सहरा मेरे ख्वाजा का। दरगाह में हमारे एमएलए इन्हें हारिस साहब भी आए थे और कॉरपोरेटर भी आए थे, गुलामा ने नाना वली भी आए थे। गरीब नवाज में एक दीवाना सदा क्या दे रहा था, ख्वाजा ने उसको दौलत दिया, धन दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया, सब कुछ देने के बावजूद भी गरीब नवाज के पास मांगता खड़ा है। क्या मांगता है? ओ इस मुकद्दर को जगा दे तो मजा आ जाए, इस मुकद्दर को जगा दे तो मजा आ जाए, हक्का दीदार करा दे तो मजा आ जाए, हक्का दीदार करा दे तो मजा आ जाए। तूने दीवाने को अजमेर दिखाया ख्वाजा, तूने दीवाने को अजमेर दिखाया, तूने दीवाने को अजमेर दिखाया ख्वाजा, अब मदीना भी दिखा दे तो मजा आ जाए। दिखाया ख्वाजा, अब मदीना भी दिखा दे तो मजा आ जाए। और एक दीवाना क्या कहता है, जाली भी तेरी जाली नगीनी की तरह है, जाली भी तेरी जाली नगीनी की तरह है, गुम्बज भी तेरा गुम्बज मदीने की तरह है, गुम्बज भी तेरा गुम्बज मदीने की तरह है, गुम्बज भी तेरा गुम्बज मदीने की तरह है। मुफलिस तो बहुत दूर है अर्श का जीना, मुफलिस तो बहुत दूर है वो अर्श का जीना, अरे मुफलिस तो बहुत दूर है वो अर्श का जीना, ख्वाजा का दरबाना है गरीबों का मदीना। लगाकर सारे जगत पर छा गए, हकमुइन का नारा लगाकर सारे जगत पर छा गए, हकमुइन का नारा लगाकर सारे जगत पर छा गए, हकमुइन का नारा लगाकर सारे जगत पर छा गए। अरे दुश्मन चुप कर बोले देखो ख्वाजा वाले आ गए। Oh, yeah.
दामन में छुपा लो, है वास्ता ख्वाजा तुम्हें मौला हुसैन का। मुश्किल कुशा के लाल हो, हमें मुश्किल से बचा लो, प्यारे नबी के चैन का वो नूर है मिटा। प्यारे नबी के चैन का वो नूर है मिटा। अबुले बुल्द जहरा का बदरे होने का, अबुले बुल्द जहरा का बदरे होने का। मुझको यकीन है कि मेरी झोली भरेगी, मुझको यकीन है कि मेरी झोली भरेगी। अरे मुझको यकीन है कि मेरी झोली भरेगी, ख्वाजा से मुझको लेना है सदका हुसैन का। काबे की तरफ जाहिद मैं कैसे पलट आऊं, काबे की तरफ जाहिद नाना वली के चाहने वाले राजा के चाहने वालों से कह रहा हूँ, काबे की तरफ जाहिद मैं कैसे पलट आऊं। नाना ने बताया है, नाना ने बताया है, नाना ने बताया है, अरे रसता मेरे ख्वाजा करके ख्वाजा का पता देंगे, गूंगे तुम्हें लिख करके ख्वाजा का पता देंगे, गूंगे तुम्हें लिख करके ख्वाजा का पता देंगे, गूंगे तुम्हें लिख करके ख्वाजा का पता देंगे। अजमेर का रास्ता तो अंधे भी दिखा देंगे। खिला देते हैं कली गुलाब की पल भर में खिला देते हैं, ये वो ख्वाजा है जो बिछड़ों को मिला देते हैं, ये वो ख्वाजा है जो बिछड़ों को मिला देते हैं। ख्वाजा तेरी चौपट को सभी चूम रहे हैं, ख्वाजा तेरी चौपट को सभी चूम रहे हैं, लेकिन तेरी गुम्बस को अली चूम रहे हैं, लेकिन तेरी गुम्बस को अली चूम रहे हैं, लेकिन तेरे अंगना में मेरा घर, तेरी चौखट पे मेरा सर, तेरे अंगना में मेरा घर, तेरी चौखट पे मेरा सर, मेरे तो नैन निछावर तेरे सोने के कलश पे। कभी कभी तो कोई नवाजे, 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 मेरा ख्वाजा सदा 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 नवाजे, मेरा ख्वाजा गरीबों को दर पे बुलाते हैं चला जा, विश्वास दे के तू भी अजमेर को चला जा, ए हाले दिल सुना दे कर देंगे शाद ख्वाजा, ए हाले दिल सुना दे कर देंगे शाद ख्वाजा। ख्वाजा वो सखी है वो हिंद के धनी है, ख्वाजा वो सखी
राजा पिया के घर में किस बात की कमी है, राजा पिया के घर में किस बात की कमी है। बिजली बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं, बिजली बन नहीं सकती उसे ख्वाजा बनाते हैं। ताकत देना पड़ता है जिसे ख्वाजा दिलाते हैं। महक जाता है सुना सुना घर मेरा ईमान से महक जाता है, सुना सुना घर मेरा ईमान से महक जाता है, सुना सुना घर मेरा ईमान से महक जाता है। अरे सादी सी दीवार में भी अजमेर नजर आता है। सुना सुना घर मेरा हिमाचल लग जाता है, सुना सुना।